Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज लाइव। दोस्तों, भोजपुर इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह का आज जो है वो नामांकन है। पवन सिंह जो हैं वो काराकट लोकसभा सीट से इंडिपेंडेंट यानी कि निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर रहे हैं और उनका चुनावी जनसभा जो है, नामांकन का जनसभा जो है 9 मई यानी कि आज ही के दिन सुबह 12 बजे से शुरू हो जाने वाला है। प्रेमनगर हाई स्कूल मैदान अकोड़ी गोला डेहरी में प्रोग्राम रखा गया है और पवन सिंह ने सबको आमंत्रित किया है। इसमें भोजपुरी के तमाम कलाकार जो हैं वो मौजूद होने वाले हैं और आज के इस नामांकन समारोह में जो भीड़ नजर आएगी वो रिप्रेजेंट कर पाएगी कि पवन सिंह का सच में पावर स्टार है तो आखिरकार इनका पावर कितना है। नजर बने रहेगी, पल पल की तस्वीरें मैं आपको दिखाता रहूंगा। लेकिन इस नामांकन समारोह से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। जी हाँ, बड़ी खबर ये है कि तमाम भोजपुरी कलाकार पहुंचने वाले हैं। खेसारी लाल यादव को भी लेकर नजर बनी हुई थी, तो अब खेसारी लाल यादव भले ही लगता है कि नहीं पहुंचेंगे, लेकिन अब जो है उनके परिवार के सदस्य पवन सिंह का ढाढ़स बढ़ाने के लिए, पवन सिंह को जिताने के लिए, पवन सिंह का हौसला अफजाई करने के लिए पहुंच चुके हैं। जी हाँ, खेसारी लाल यादव के पापा मंगरू लाल यादव कंधे से कंधे मिलाकर पवन सिंह के साथ नजर आ रहे हैं, तो वहीं पवन सिंह की माता श्री भी वहां पर नजर आ रही हैं। इसके अलावा पवन पांडे जो खेसारी टीम के एक अहम हिस्सा हैं, खेसारी को बड़े बड़े गाने दिए हैं, वो भी वहां पर पहुंचे हुए थे। और एक और इंटरेस्टिंग बात है कि खेसारी लाल यादव के भाई यानी कि जो हृदय लाल यादव है वो भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। तो आज की सबसे बड़ी तस्वीर सामने आई है। आते हैं सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर आग की तरफ फैल गई है। पवन सिंह का आज नामांकन है और इस तरीके से इन लोगों का पहुंचना कहीं ना कहीं सांकेतिक तौर पर दिखाता है कि खेसारी लाल यादव और उनके परिवार और उनके टीम के सदस्य जो हैं वो पवन सिंह के साथ हैं। हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली आने वाले समय में पवन सिंह के लिए खेसारी लाल यादव प्रचार करने के लिए जाएं, लेकिन फिलहाल नामांकन समारोह में जिस तरीके से खेसारी लाल यादव के पापा पहुंचे हैं ये तस्वीरें सुर्खियां बटोरने लगी है। तो एक बड़ी खबर थी, बाकी इस खबर को लेकर अपनी राय बताइए। धन्यवाद।